हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेडी प्रोडक्शन में। और हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट बेसिक ट्यूटोरियल फ्लूट का सेकंड पार्ट। तो हमने जो लास्ट वीडियो है उसके अंदर हमने सीखा था कि एयर ब्लो कैसे की जाती है फ्लूट में, और मैंने आपको कहा था कि आपको एक हफ्ते तक प्रैक्टिस करना है। आई होप आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। और आज हम आपको बताएंगे कि इसमें सुर होते कहाँ हैं, सारे गामा पा कहाँ होता है, उसको किस तरह से प्ले किया जाता है और कहाँ कहाँ से इसको प्ले कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, ये फ्लूट है। अगर आप राइटी हैं तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो स्टार्टिंग के जो थ्री होल्स हैं इनको ब्लॉक करेगा। ओके, आपको मैं फिंगर के नेम से ही बता देता हूँ। ओके, तर्जनी, मध्यमिका, अनामिका, ये जो तीन उंगलियां हैं। ओके, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, ये तीनों को आपको स्टार्टिंग इस पर रखना है। और ये तीनों ही, इन तीनों से ही हम होल्स को ब्लॉक करते हैं। दोनों हाथ की जो ये तीन उंगली है, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, या हिंदी में जिनको कहते हैं तर्जनी, मध्यमिका, अनामिका, इन तीनों से इसको ब्लॉक किया जाता है। और थंब से हम इसको देते हैं सपोर्ट ताकि जो फ्लूट है वो नीचे ना गिरे। ओके, तो जब आप स्टार्टिंग के थ्री होल्स बंद करेंगे तो ये रहेगा, बजेगा सा। ओके, इसके मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। इसमें दो तरीके से आप सरगम बजा सकते हैं। एक सरगम बजती है यहाँ से, ठीक है, और दूसरी बजती है यहाँ से। जो मोस्ट बेसिक लोग हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो यूज़ करते हैं ये वाली सरगम। ओके, और यही सबसे ज़्यादा मतलब इजी और सबसे अच्छी होती है। ओके, यहाँ से भी सरगम बज सकती है। देखिए, और यहां से भी सरगम बजती है। ओके, तो हम सीखेंगे ये वाली सरगम। ओके, तो जब आप इसकी थ्री होल्स को बंद करके रखेंगे तो ये रहे बजेगा सा। ओके, ये देखिए, फिर हम अपनी जो रिंग फिंगर है, जो अनामिका, फिर जो उंगली है, हम इसको उठाएंगे तो फिर ये रहेगा रे। स्टार्टिंग के दो होल्स बन, ये बजेगा रे। मध्यमिका, मिडिल फिंगर जब हम इसको उठा देंगे तो ये बजेगा ग। ओके, अब इसमें जो होता है म, अब हम ये फिंगर उठा देंगे तो म बजेगा, बट हम इसको आधा उठाएंगे। अगर आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इसको पूरा ही उठाइएगा। इसको हम कहते हैं तीव्र म। अगर आप आधा उठाएंगे तो इसको कहेंगे शुद्ध म, ठीक है। तो हम इसको अभी, जब आप स्टार्टिंग में आप अभी नए नए हैं तो आप इसको पूरा उठाएंगे, ठीक है। ये पूरा उठाया, ये बजा म। अब यहां तक हो गया म, इसके बाद हमको आएंगे प के ऊपर। ओके, तो प के लिए हमको करना है जो सारे होल से इनको कर देना है बंद। ओके, अब सेम जो प्रोसेस हम यहां रिपीट कर रहे थे वो यहां रिपीट होगी। अब हम यहां से एक फिंगर उठाएंगे, ठीक है, जो अनामिका है हमने यहां से उठाई रिंग फिंगर। अब ये हो जाएगा ध। ओके, ये देखिए, अब हम उठाएंगे मध्यमिका, तो ये हो गया नी। और जो हमारी लास्ट जो फिंगर है तर्जनी, ये हमने उठा दी, तो हम फिर से किस पे आ गए, स पे। पर इसके अंदर क्या होगा कि ये जो स पहुंच गया किस पे, तार सप्तक पे, ठीक है। तार सप्तक मतलब कि जो तीव्र बजता है, जो तेज बजता है, ठीक है। ये देखिए, जैसा कि मैक्सिमम को पता होता है और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि ऑक्टेव जो होते हैं वो तीन तरीके होते हैं, ठीक है, अपर, मिडिल एंड लोअर। ओके,
तो सेम इसके अंदर फ्लूट में भी यही होता है, ये जो है मिडिल ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव का सा है, ठीक है, और ये जो है ये तार सप्तक का सा है, ठीक है। तो आपको ये समझ आया कि इसके अंदर जो सरगम होती है वो कहाँ होती है और इसको किस तरह से प्ले करते हैं, ओके। और इसके अंदर जो सबसे मेन जो जरूरी बात होती है ध्यान रखने वाली, वो ये होती है कि आपको जो होल्स जो हैं इसके, ये प्रॉपर बंद होना चाहिए। अगर ये हल्के से भी खुले रह रहे हैं, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग फेज है, आप बिगिनर हैं, तो अगर आपकी ये थोड़ा सा भी होल अगर आपका ओपन रहा, तो आपकी जो आवाज़ है यहाँ से जो आप ब्लो कर रहे हैं वो गायब हो जाएगी। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप स्टार्टिंग में सीख रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये जो होल्स हैं इनके, ये प्रॉपर बंद हो, ओके। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसके ऊपर सरगम किस तरह से जाती है, सा रे गम। अब इसके अंदर जो होता है, इसका हमको रिटर्न भी आना होता है, तो रिटर्न आते हैं सा, ये तार सप्तक का सा, ठीक है। स्टार्ट किया है वो उनसे ही आधा होल एकदम से ओपन नहीं होगा, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे बाद में, ओके। मा हो गया, अब ये ग, रे, एंड फिर से हम पहुंच जाएंगे हमको ये सा रे ग म प ध नी सा तक जाना है, देन सा नी ध प म ग रे सा हमको रिटर्न आना है, ओके। इसको ये है सबसे बेसिक अलंकार, जो फर्स्ट अलंकार जो सिखाया जाता है वो यही है। आपको पर सेकंड के हिसाब से आपको बीट देना है इसमें, ये देखिए इस तरह से आपको इसको प्रैक्टिस करना है जो मैं बता रहा हूँ। पहले तो आपको इसको बजाने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, जब आपकी सुर थोड़े से क्लियर हो जाते हैं तब आपको प्रैक्टिस करना है इस सरगम की, जो मैं अलंकार बता रहा हूँ जो फर्स्ट अलंकार है, सबसे ज्यादा आपको इसकी प्रैक्टिस करना है स्टार्टिंग में, ओके। और आपको स्टार्टिंग में ये भी होगा कि आपको सांस लेने प्रॉब्लम आ रही है, लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि हम ना बजाते 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 हमारी सांस खत्म हो जाती है, तो दरअसल सांस से ना सभी की व्यक्ति जो भी बजाता है उसकी सांस की प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में, बट बाद में वो क्या सीख जाता है, उस सांस को कंट्रोल करना। अब सांस ये नहीं कि आपको सिर्फ दिए जाना है, ऐसा नहीं होता है। हम इसके अंदर जैसे बीट चार चली, चार के बाद हल्का सा पोज आता है, उसके अंदर हमने सांस ली, देन बीट में मतलब उसको फूंक दे रहे हैं, ये देखिए, जब मैंने ये बजाया सा रे ग म, म में हल्का सा पोज लेके मैंने सांस ली, ठीक है, प ध नी, नी पे मैंने फिर हल्की सांस ली, और फिर नी छोड़ने का मैंने लिया सा, फिर मैं हल्का सा पोज लेके सा नी ग, फिर सांस म ग, ओके। तो ये जो हल्का सा पोज होता है, इसके अंदर हमको सांस लेनी होती है। ये सबसे बेसिक अलंकार है। इसके आगे के मैं आपको कुछ अलंकार और बता देता हूँ, ताकि आप अगर इसके आगे स्टेज में बढ़ चुके हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें अच्छे से, ओके। तो ये था, ये सबसे मोस्ट बेसिक फर्स्ट अलंकार है। सेकेंड में ही हम इसको क्या कर देंगे, एक बीट में दो सुर, मतलब अगर शुद्ध हिंदी में बात की जाए तो इसको हम कहते हैं मात्रा। एक पूरी जो ताल होती है इसके अंदर 16 मात्राएं होती है, 16 बीट्स होती हैं,
ठीक है, और चार बीट्स का एक विभाग होता है, ठीक है। तो हम बीट को हिंदी में कहते हैं मात्रा, ठीक है। तो जब एक सेकंड में, मतलब जो एक बीट है उसके अंदर हम जब दो मात्राएं डालेंगे, मतलब जो एक विभाग का जो एक हिस्सा है उसके अंदर हम जब दो मात्राएं डाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा दुगुन, ठीक है। मतलब जो एक सेकंड में हम ले रहे थे सारे ग म, तो इसमें जाएगा सा सा रे रे ग ग म म। लय जो रहेगी वो सेम रहेगी, लय मतलब जो स्पीड है वो वही चल रही है टाइम की। बस हमने क्या किया, जो एक सेकंड में एक सुर आ रहा था, एक सेकंड में जो एक मात्रा आ रही थी, उसमें अब एक सेकंड में दो मात्राएं आएंगी। कैसे, देखिए। जो सेकंड में इसके अंदर कितनी आ रही है, दो मात्राएं आ रही है। ऐसा ही हमको करना है एक सेकंड में तीन मात्राएं, सा 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 री 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 ग ग ग म म म। देखिए, क्या हुआ कि एक सेकेंड के अंदर तीन मात्राएं आ गई। ऐसा ही आपको करना है एक सेकेंड के अंदर चार मात्राएं। यहां तक आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। और इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आप जब ये बजा रहे हैं तो आपकी जो सुर हो वो बिल्कुल क्लियर हो, ओके। मतलब अगर आप, मैंने आपको जैसा बताया था स्टार्टिंग में कि अगर थोड़ा सा भी होल ओपन रहा तो आवाज जो है वो गायब हो जाएगी। तो आपने फ्लूट सीखना स्टार्ट किया है तो सबसे जो बेसिक जो चीजें होती हैं वो यही होती है कि आपके सुर एक तो क्लियर निकले। ये जो सारे का मैं बताया था, ये जो होता है ये होता है सबसे फर्स्ट अलंकार। देन इसके बाद जो मैंने तीन और बताया, सा सा, ठीक है, फिर सा 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 रे रे रे, ये बताया, फिर सा 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 रे 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 ग ग ग ग म म म। तो ये जो है ये मोस्ट बेसिक अलंकार होते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है। और इन बेसिक अलंकार के अलावा और भी इम्पोर्टेंट अलंकार होते हैं जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अभी के लिए ये ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसी की आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और नेक्स्ट वीक हम फिर से मिलते हैं नए अलंकार के साथ, एक नई वीडियो के साथ और कुछ और नई बेसिक चीज़ों के साथ, ओके। और तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल जेडी प्रोडक्शन के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।